हे कोडर्स वेलकम बैक टू डे सिक्स ऑफ हंड्रेड डेज कोडिंग चैलेंज आई होप कि आपने पिछले सारे पाँच डेज के वीडियोस देख लिए अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरा प्लेलिस्ट का प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है अब हम लोग डे सिक्स में आ चुके हैं डे सिक्स काफ़ी अमेजिंग होने वाला है बहुत ईजी सा कोड है हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एस की वैल्यू ऑफ द तो गिवन कैरेक्टर हम लोग यूजर से एक इनपुट लेंगे एंड वो कोई भी कीबोर्ड में से कोई बटन टाइप कर देगा तो हम लोग उसका एक एस की वैल्यू डिफाइन होता है वो हमको आउटपुट में प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ मैंने एक फोल्डर बना लिया था एस की वैल्यू करके जिसको मैंने सिक्स नंबर दिया है मीन डे सिक्स तो मेरे को वो सेव करने में ईजी होगा और अब मैंने एक फाइल बना दिया एस की डॉट जावा अभी डॉट जावा एक्सटेंशन विल क्रिएट जावा फाइल एंड सिमिलरली मैं इसी तरह से एस की डॉट पी वाई करता हूँ जैसे पाइथन फाइल क्रिएट हो जाएगा सो so, इतना तक सबको क्लियर है हमने एक जावा फाइल बना लिया और एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लिया नाउ लेट लुक द डे सिक्स कोडिंग स्टेटमेंट और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से सो विल राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द एस की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर और डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से गेट एन इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट और उसका वैल्यू हमको मीन्स एस की वैल्यू प्रिंट करके देना है आउटपुट स्क्रीन पे सो so कुछ टेस्ट कैसेस देख लो यहाँ पे अगर यूजर ने इनपुट दिया बी तो उसका आउटपुट कितना है नाइन्टी एट अभी नंबर नाइन्टी एट कैसे आई है एक ये स्टैंडर्ड एस की वैल्यू क्रिएट होता है हर एक नंबर जो की बोर्ड ना उन सारे बटन्स के लिए एक एस की वैल्यू डिफाइन किया गया है तो वो हमको याद करना तो मैनुअली इजी नहीं है बट हम लोग उसको बाय कोड हम लोग उसको देख सकते हैं सो एसकी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये एक फॉर्मेट है जिसकी वजह से हम लोग एनकोडिंग कर सकते हैं कॉमन कैरेक्टर्स को एक फॉर्मेट होता है जो कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है सो so, आपको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है हम लोग उसको कोड के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा सो लेट इज कोड इन जावा एंड सी वॉट आर द एस की वैल्यू ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स और वेरियस बटन्स ऑन द की बोर्ड्स सो सबसे पहले हम लोग पब्लिक क्लास लिखेंगे क्लास का नाम क्या होगा जो हमारा फाइल का नाम है एस की सो पब्लिक क्लास एस की एंड देन वी विल द मेन फंक्शन पब्लिक स्टेटिक वाइटमेंट स्ट्रिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स देन वी हैव टू राइट सम मैसेज डैट शुड बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन जिसको देख के यूजर कुछ इनपुट करेगा सो so, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड अदर लिख देता हूँ एंटर एनी कैरेक्टर तो यूज़र इसको जब देखेगा आउटपुट स्क्रीन पे तो वो एक कैरेक्टर को इनपुट करेगा जिसको हमको स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए बट जो यूज़र इनपुट करेगा वो हमारा सिस्टम रीड कैसे करेगा उसके लिए हमको स्कैनर फंक्शन चाहिए सो यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा स्कैनर फंक्शन को सो इम्पोर्ट जावा डॉट डॉट स्टार स्टार और एस्टिक में स्कैनर फंक्शन तो so, इम्पोर्ट कर लिए तो उसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं सो स्कैनर एस सी एक वेरिएबल है और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन जावा केस सेंसिटिव होता है इसलिए स्मॉलर और कैपिटल में कौन सा एस लिखा हूँ वो अच्छे से देख लेना तो ये हो गया यूजर से इनपुट लेना अब हमको उसको स्टोर करना है तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से सिर्फ सो so, यहाँ पे लिखेंगे कैर सी एच हमारा वेरिएबल है अब इसको हम लोग रीड करते हैं तो एस सी डॉट नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन लिख दिया अगर ये इंट होता तो हम लोग नेक्स्ट इंट लिख देते हैं पर ये क्योंकि हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखना होगा कैर एट और यहाँ पे जीरो लिखो या कुछ नहीं लिखो तो भी हमारा सिस्टम इसको रीड कर लेगा क्योंकि हम लोग एक ही इनपुट दे रहे हैं सो हियर कम्स द मेन पार्ट ऑफ द कोड आपको एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन करना होगा सो इंट एस की इक्वल टू अभी एस की का हम लोग फाइंड करें इसलिए मैंने यहाँ पे एस के लिख दिया अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमारा uh, फाइल का नाम भी एस की है मीनस क्लास का नेम है यहाँ पे वेरिएबल एस की लिया है सो so मैं इसको चेंज करता हूँ देखो यहाँ पे हम लोग एस की अंडरस्कोर वैल्यू कर देते हैं so, सो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे सो so, हमने इंट लिया एस की वैल्यू उसको नाम दे दिया और वहाँ पर हम लोग वो किसके इक्वल है हमारे कैरेक्टर जो यूज़र इनपुट करेगा सी एच के एंड सिंपली आपको प्रिंट करना है एक चीज़ सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एड एंड एक सेंटेंस लिख दो कि द एस की वैल्यू ऑफ किसका का सी एच जो हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं इज़ एंड हीयर यू हैव टू राइट दिस थिंग एस की प्लस लिख दो यहाँ पे एस की वैल्यू सो so, क्या करेगा ये जो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो भी वेरिएबल या फिर कैरेक्टर इनपुट किया होगा यूजर्स से उसका एक इंटीजियर फॉर्मेट में एस की वैल्यू होगा क्योंकि वैल्यू है तो इंटीजियर फॉर्मेट में होगा वो सिस्टम इसको प्रिंट करके दे देगा आई होप कि द कोड इज़ वेरी क्लियर टू यू कोई भी डाउट कोई भी लाइन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा सो इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट किस तरह से आता है सो so, यहाँ पे आया एंटर एनी कैरेक्टर सो जो टेस्ट के मैं टेस्ट कैसे मैं वही इनपुट करता हूँ बी यहाँ पे लिखता हूँ एंड बी का क्या एस की वैल्यू है नाइन्टी तो एट देखो आउटपुट किस तरह से आ रहा है एस की वैल्यू ऑफ बी इज नाइन्टी एट इसलिए वहाँ पर मैंने प्लस सी एच लिखा था एंटर एनी कैरेक्टर ए डाला मैंने कैपिटल है उसका एस की वैल्यू क्या है सिक्सटी फाइव अगर ए का वैल्यू सिक्सटी फाइव है तो बी का कितना होगा सिक्सटी सिक्स होगा कैपिटल में तो जेड का कितना होगा तो आप प्लस ट्वेंटी सिक्स कर दो उसमें ठीक है तो इस तरह से ये चलते रहता है लूप सो so, आप सिर्फ अल्फाबेट्स के नहीं आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स के भी एस के वैल्यू निकाल सकते हो जैसे क्वेश्चन मार्क का सिक्सटी थ्री है अगर यहाँ पे एच लिखोगे तो वन जीरो फोर है तो इस तरह से आप वेरियस टेस्ट कैसेस देख सकते हो एक बार आपका कोड अच्छे से रन हो गया सो so, ये था जावा का कोड ये एक और मेथड है जावा में वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ सो so, ये था सिंपल आप एक इंटीजर एस के वैल्यू डिफाइन कर दो जो इक्वल होगा हमारे कैरेक्टर के एंड उसको प्रिंट कर दो तो यू विल गेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू जो भी कैरेक्टर आप इनपुट कर रहे हो सो so, यहाँ पे एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है वो भी देख लो जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कास्ट कर सकते हो एस की वैल्यू को किस में इंटीजियर के फॉर्मेट में सो इंट कास्ट एस की ये वेरिएबल है यू कैन राइट एनी थिंग देयर इंट कास्ट एस के इक्वल टू फिर ब्रैकेट में आपको इंट लिखना है एंड वो किसके इक्वल होगा सी एच के तो इक्वल साइन में डालो बस ब्रैकेट में इंट लिख के सी एच लिख दो एंड प्रिंट जब आप करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एजेंट जब आप करोगे तो वहाँ पे आपको प्रिंट करना है कास्ट एस की जैसे आप ये प्रिंट करोगे यू विल गेट द आउटपुट सो मैं प्रीवियस वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड अभी नए वाले कोड को हम लोग रन करके देखते हैं तो थोड़ा तो तो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इसको मैं सो so, मैंने पुराने प्रिंट वाले स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दिया नए प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया हूँ एंड यहाँ पे एस की वैल्यू की जगह पे हम लोग प्रिंट करें कास्ट एस की ओके सो दिस इज़ द कोड वेरी सिंपल कोड एक बार इसको आप हम लोग रन करके देखेंगे तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है सो यू कैन ऑल्सो यूज़ कास्ट एस की टू कास्ट द कैरेक्टर इन टू द इंटीजर फॉर्म ओके सो कैर टू इंट ठीक है अब मैं इसको रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ देखो एंटर इन कैरेक्टर मैंने ए इनपुट किया तो उसका वैल्यू कितना है नाइन्टी सेवन कोड परफेक्टली रन हो रहा है इट्स ऑन यू कि आप किस मेथड को अप्रोच कर रहे हो मेरे को तो पहले वाला मेथड ज़्यादा ईजी लगा तो मैं वही यूज़ प्रेफर करूँगा तो क्योंकि दो ऑल्टरनेटिव थे इसलिए मैं दोनों कोड यहाँ पे लिख दिया हूँ और वीडियो पॉज करके दोनों कोड को अच्छे से लिख सकते हो अगर आपको इन सारे कोड्स के नोट्स चाहिए जो मैं कोड कर रहा हूँ उसको पूरा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में तो आप कमेंट करना आई विल प्रोवाइड टाइटल्स हो आई होप कि आपको जावा का दोनों फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया कोड के लिए तो मैंने इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट को एक साथ अलाइन कर दिया और अब हम लोग देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है मैंने एक वैल्यू एंटर किया ए द एस की वैल्यू ऑफ ए सिक्सटी फाइव एस की वैल्यू ऑफ ए सिक्सटी फाइव दोनों केसेस में आउटपुट सेम आएगा तो इट्स ऑन यू आपको कौन सा मेथड अप्रोच करना है इंट एस की वैल्यू इक्वल टू सी एच या फिर इंट कास्ट एस की ब्रैकेट में इंट और सी एच आपको कौन सा यूज़ करना है इट्स ऑन यू सो दिस वॉज द जावा कोड एंड लेट अस मूव टूवर्ड्स द पाइथन कोड जो इससे भी कहीं ज़्यादा सिंपल होगा एंड यू कैन Uh, क्या बोलते हो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सा कोड कौन से लैंग्वेज में करना है सो so, जावा में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देख लिया एंड इट्स ऑन पाइथन टर्न नाउ सो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द एस की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन इनपुट मैंने सेम रखा है तो so, डायरेक्टली हम लोग कोड की तरफ बढ़ते हैं तो so, सबसे पहले हम लोग यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उसको स्टोर करेंगे सी एच नाम के एक वेरिएबल में तो so, वो कैसे करना है चलो देख लेते हैं सो सी एच सबसे पहले लिखेंगे जो कि हमारा वेरिएबल होगा इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट के अंदर लिखना है एंटर एनी कैरेक्टर तो यूज़र ये जब मैसेज पढ़ेगा आउटपुट स्क्रीन पे वो एक कैरेक्टर टाइप करेगा कीबोर्ड से बोर्ड से ए स्टार बी एक्सप्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क स्पेस कुछ भी एंटर कर देगा तो हमको उसका एस की वैल्यू प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे तो कैसे करेंगे सिंपली प्रिंट लिख दो एक अच्छा सा सेंटेंस बना दो द एस की वैल्यू ऑफ किसका सी एच का तो ये देखो किस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है डबल कोड्स के अंदर आप जो लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा फिर कॉमा डाल दो एंड सी एच को लिख दो सी एच लिखोगे तो जो यूजर इनपुट करेगा कैरेक्टर वो भी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कॉमा सी एच फिर से कॉमा डालो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोड आपको यहाँ पे लिखना है ऑर्डर फंक्शन ओ आर डी ब्रैकेट के अंदर सी एच लिखो क्योंकि वही कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये ऑर्डर फंक्शन क्या करेगा जो भी कैरेक्टर यूजर इनपुट करेगा उस कोड का उस कैरेक्टर का एक वैल्यू प्रिंट करके देखा आउटपुट स्क्रीन पे सो so, कैरेक्टर हमने यूजर से ले लिया और प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग ऑर्डर ऑफ सी को प्रिंट करें तो मैं कोड को सेव करता हूँ एंड रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या ये सिमिलर टू जावा आ रहा है जैसे जावा हमने कोड के इतने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखे क्या उसी तरह से आ रहा है एंटर एनी कैरेक्टर तो यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ स्मॉल ए एंड एस की वैल्यू ऑफ स्मॉल इज 97 सेवन एब्सुलटली करेक्ट ये ऑर्डर फंक्शन ने हमारा आउटपुट एकदम परफेक्टली यहाँ पे दे दिया है सो so, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं टेस्ट केसेस के फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे जावा और पाइथन को कि कौन सा लैंग्वेज इजी था एंटर इन ए कैरेक्टर कैपिटल ए डाला मैंने तो कैपिटल ए का एस की वैल्यू है सिक्सटी फाइव बी का नाइन्टी एट स्मॉल बी ओके और अगर कोई स्पेशल सिम्बल डालेंगे तो प्लस का कितना है फोर्टी थ्री है और कोई स्पेशल सिंबल स्टार का देखो कितना है फोर्टी टू है और सिंपली स्पेस अगर हमने डाला तो उसका क्या आएगा देखो स्पेस डाला मैंने तो एस की वैल्यू ऑफ स्पेस इज थर्टी टू दिस इज अमेजिंग यू नो आप ये कोड किसी को पूछ सकते हो और उसको कन्फ्यूज़ कर सकते हो कि आप पाइथन में कैसे प्रिंट करोगे वो बहुत सारा ज्ञान देगा लेकिन आपको कोड तो इतना सिंपल सा था सिर्फ ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करना था सो so ये था पाइथन में कोड दो लाइन का कोड था पर बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये कहीं भी आपको पूछ सकता है कोई भी बड़े कोड में आप छोटा सा एक एक लाइन का कोड लिख के आप उस कोड को चेंज कर सकते हो एंड जावा में भी हमने देख लिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे सिक्स कल फिर मिलते हैं शाम को सात बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आइकन क्लिक कर देना एंड शेयर करना दिस वीडियो एंड प्ले लिस्ट टू तो ऑल योर फेलो फ्रेंड्स हैप्पी लर्निंग हैव ए गुड डे